नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड कोच शिखर पवार, और स्वागत करता हूं आप सभी का मोटिवेशन थिएटर के एक और नए सेशन में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड्स। हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, कहते हैं ना कि हमारा दिमाग चंचल होता है, कभी इधर का सोचेगा तो कभी उधर का सोचेगा, मतलब तरह तरह के विचार हमारे माइंड में आते हैं। हमारा माइंड चंचल है, हमारे दिमाग में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो हम हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड। तो आज का जो सेशन है, हम आज के सेशन में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हम 5 पॉइंट्स को लेकर इस सेशन में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उन 5 सेशन को जानेंगे। और उससे पहले, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस आती है, या आपकी लाइफ हल्के से भी चेंज होती है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबाकर। और आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएगा। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको 5 पॉइंट बताया है, उसमें से पहले नंबर का पॉइंट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे करना बेहद आसान है और इसके द्वारा हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर सुबह आप अपने डेली नित्य कर्म करने के पश्चात एक शांत जगह पर बैठ जाइए और अपना ध्यान लगाइए, और अपना ध्यान को विचलित नहीं होने देना है आपको। एकदम गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और आपके आइट साइड बिल्कुल हलचल होने नहीं देना है आपको। अपना ध्यान लगाइए और गहरी सोच में डूब जाइए। एकदम मेडिटेशन करना है आपको, और हो सके तो आप मेडिटेशन में आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं माइंड के, उनको निकाल दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण का आप श्रृंगार कर सकते हैं। अपने माइंड को एकदम फ्री करना है मेडिटेशन के द्वारा। आप जब डेली प्रोसेस में आपके इसमें आ जाएगा, तो आप डेली मेडिटेशन करने लग जाओगे, मॉर्निंग में जल्दी उठने लग जाओगे, आपका माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा, आपके पास फालतू चीज़ें सोचने का समय नहीं रहेगा। और आप डेली अगर करने लग जाते हो, तो आप डेफिनेटली आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। आपके जो माइंड में थॉट्स आते हैं, वो कंट्रोल बिल्कुल हो जाए। सेकेंड पॉइंट, डू योर वर्क, अपने काम में लगे रहें। अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, तो जब हमें वो काम बोर लगने लगता है या हमसे वो काम नहीं होता, तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। हालांकि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उस काम को हमें नहीं छोड़ना है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब हम उस काम को छोड़ने के बाद उस काम को करना चाहते हैं, बट हम उस कार्य काम को नहीं कर पाते। रीज़न कि एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं कि क्या है। यदि आप कोई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हो और आपसे वो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि उसमें जो दिक्कतें आ रही है, उस दिक्कतों को हमारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहिए, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको बना लेना चाहिए। अगर हम उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद वो प्रोजेक्ट हमारा अधूरा रह जाता है, और जब हम उसको करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे वर्क पर लग जाते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको अपने काम में लगे रहना है। थर्ड पॉइंट, काम की तारीफ़ करना। कैसे? यदि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका उस काम में मन नहीं लग रहा है, तो आपको उस काम की तारीफ़ करना है कि भाई इस काम से बेहतर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। चाहे आप क्यों ना चाय बेच रहे हो, आप जैसा कि जानते हैं कि पीएम मोदी चाय बेच कर ही देश के प्रधानमंत्री बने, तो आपको क्या करना है कि आपके काम की तारीफ़ करना है। चाहे काम छोटा काम हो, चाहे काम बड़ा हो, छोटा सा बिजनेस ही एक बड़ा रूप लेता है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो काम है, उस काम की तारीफ़ करना है। ऐसा करने से आपका मन उस चीज़ में लगेगा, आपकी रुचि लगेगी, आपका मन उसमें लगते रहेगा, और आपका इंटरेस्ट उसमें जागेगा। इससे आपका मन लगा रहेगा और आपका मन भटकेगा नहीं। चौथा पॉइंट है स्मार्ट टिप्स। स्मार्ट टिप्स मेन कि अपने दिमाग को सही करने के लिए, जगह पर रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए आपको स्मार्ट टिप्स का यूज़ करना है। यानी कि आपको आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है वो सॉन्ग सुनना है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है या आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है, आपको वो चीज़ करना है, जिससे कि आपका दिमाग भटके ना और लगा रहे और आपका दिमाग स्थिर रहे। एंड आप स्मार्ट टिप्स का यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। अब बात करते हैं तुम्हारा 5 नंबर का पॉइंट है, अपनी हकीकत पहचान है कि आप असलियत में हकीकत में क्या हो। हकीकत मीन्स कि अगर आप दो दोस्त, उसका इंटरेस्ट है MBBS डॉक्टर बनने में और आपका इंटरेस्ट एक इंजीनियर बनने में, तो आपको आपका जब इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही चाहिए। बिकॉज आपका दोस्त MBBS में जा रहा है, तो आपको उसे देखकर उस फील्ड में नहीं जाना है ना। अगर आपका दिमाग तो इंजीनियरिंग फील्ड में लगा हुआ है, अगर आप उसे देखकर MBBS कर भी लेते हो, तो आप अपना 100% उस चीज़ में नहीं दे पाओगे, तो आपका दिमाग भटकते रहेगा, आप अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
इसलिए अपनी हकीकत पहचाने कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपकी रुचि किस क्षेत्र में, आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड कंट्रोल रहेगा और आप जो करना चाहते हो, आपकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, बिल्कुल आप अचीव कर पाओगे। ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको मेडिटेशन करना है, आपको स्मार्ट टिप्स का यूज़ करना है, अपनी हकीकत को पहचानना है और बहुत सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताई, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और अगर आपकी इस वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वैल्यूज बढ़ती है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सपोर्ट करने के साथ साथ। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।